हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, परमानेंट जॉब है आपका। जो भी एलिजिबल होंगे अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं आपका 2/4 से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा आपका 2/5/2022 तक। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको इसको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, आपको कुरियर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू यहाँ पे भेजना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला गया है सिविल ब्रांच में। तो अगर आपने सिविल में डिप्लोमा किया हुआ है आप एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। बस एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, आपका एज है जो 21+ होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर मिनिमम एज को भी सेट किया गया है 21। तो एक चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि 18 से रखना चाहिए था। अब यूआर में एक वैकेंसी है, हर एक कोई अप्लाई कर सकता है, वैकेंसी कम है। मगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, परमानेंट जॉब होने वाला है। अब बात कर लें यहाँ पे फ़ी का, तो फ़ी यहाँ पे 500 रुपीज़ लगने वाला है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाद बाकी अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल में नीचे में दे दिया गया है, आपको क्या है नहीं है, क्या रहने वाला है, जॉब नेचर वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपका रिटर्न के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे आपका OMR बेस पे होगा आपका एग्ज़ाम। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। फीस जो आपको पे करना है 500 रुपीज़, उसका भी एक प्रोसीजर है, उसको आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना होगा बैंक के थ्रू जाके। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए बनेगा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस बरेली कैंट। तो इसको आपको फेवर में बनाना होगा डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपीज़ का। आप बैंक में जाएंगे ऐसा बोलेंगे दिखाएंगे तो वो लोग समझ जाएंगे, वो बना देते हैं। विथ 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप अलॉन्ग विथ डाक टिकट्स एंड 2 एडिशनल फोटोग्राफ फॉर हॉल टिकट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर एक चीज़ होता है कि जो भी ऑफलाइन फॉर्म होता है इस तरह का, उसमें क्या करते हैं ये लोग 2 एनवेलप या 1 एनवेलप अपने से मंगा लेते हैं एडमिट कार्ड के लिए, और अगर आपका ज्वाइनिंग होगा तो उसके लिए। मतलब आप ही उनको एनवेलप भी देंगे और उसमें अपना डाक टिकट भी लगा के आप ही देंगे। अगर आपको एडमिट कार्ड वो लोग भेजेंगे तो उसी एनवेलप के थ्रू आपको भेजेंगे, आपका एड्रेस उस पर लिखा होना चाहिए, कहाँ टू लिखा होना चाहिए, मतलब कहाँ जाएगा मतलब आपका। और फ्रॉम जो वो लोग अपना तरफ से भेजेंगे, जैसे कि मान लीजिए बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड, तो उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो इस तरह से जब आप एनवेलप भेजेंगे उनको, तो उस पर तो आप अपना यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अपना पे, और 2 उनका एड्रेस लिखेंगे जो एड्रेस दिया गया है नीचे में, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस एड्रेस पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन द प्रीस्क्राइब फॉर्म अटैच टू बी सेंड एड्रेस ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एड्रेस पे आपको भेजना है, जब आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो इस एड्रेस पे सेंड कीजिएगा, और अपना जो रहेगा वो आपका फॉर्म से रहेगा और 2 पे, बट उसके अंदर 2 ब्लैंक एनवेलप भी रहना चाहिए जिस पर डाक टिकट लगे होना चाहिए, और उस पर आपका एड्रेस जो रहेगा वो आपका रहना चाहिए 2 पे, और फॉर्म उनका एड्रेस रहेगा तो वो लोग चेक करेंगे जहाँ से भेजना है, आपको सिर्फ 2 का एड्रेस लगाना है कहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, साथ में साथ आपको 2 एक्स्ट्रा फोटो भी आपको भेजना है, जैसे 2 ब्लैंक एनवेलप भेज रहे हैं डाक टिकट लगा के, वैसे 2 आपको एक्स्ट्रा एनवेलप भी आपको फ़ोटो भी भेजना है, ताकि वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसी फोटो को उस पर चिपका के आपको स्टैम्प करके भेजेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा लेंदी है, देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा, इसी तरह से एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लें यहाँ पर, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे क्या होने वाला है, और आपका एडमिट कार्ड ये सारा डिटेल्स जो रहेगा वो आपको ईमेल के थ्रू आने वाला है और वेबसाइट के थ्रू आने वाला है, तो चेक कर लीजिएगा। डेट टाइम एंड वेन्यू ये आपको डिसाइड किया जाएगा वेबसाइट के थ्रू। देख सकते हैं लास्ट डेट जो रखा गया 2/5/2022 तक पहुंच जाना चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल है तो अभी ही अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये हार्ड कॉपी के थ्रू जाएगा, फिर आपको बैंक जाके डिमांड ड्राफ्ट वगैरह ही बनाना होगा। तो आप अभी अप्लाई कर दीजिएगा फ़ी वगैरह पे करके डिमांड ड्राफ्ट बना के, ताकि वो टाइम से पहले पहुँच जाए। उसके बाद अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आज में ही अप्लाई कर दीजिएगा या कल में अप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्कीम दे दिया गया है एग्जामिनेशन का, तो जूनियर इंजीनियर सिविल का यहाँ पर पूरा दे दिया गया है। अब देख सकते हैं टेक्निकल आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन से 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 आपका मार्क्स रहने वाला है, नेगेटिव नहीं होने वाला है। पूरा डिटेल सिलेबस दे दिया गया है, क्या आपको पढ़ना है, किससे क्वेश्चन आएगा, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल है तो। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दे रहा हूँ, बट ऑफिशियल वेबसाइट कल रात को ओपन हो रहा था, बट अभी ओपन हो नहीं रहा, एरर शो कर रहा है। तो आप ट्राई करिएगा एक दो बार बाद में, हो सकता है कि ओपन हो जाएगा। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो इसी नोटिफिकेशन के नीचे में है, तो आपको पेज नंबर 13 दिख रहा होगा, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है, और यह ब्लॉक लेटर्स में दिख रहा होगा, ब्लॉक लेटर में सब कैपिटल लेटर्स में भरना है,
फ़ोटो वगैरह चिपकाना है, और दो एनवेलप जैसे मैंने पहले बोला ब्लैंक में सेल्फ एड्रेस करके और दो फोटो भी उसमें लगा के, और डिमांड ड्राफ्ट नंबर वगैरह ये सब देख सकते हैं, ये सारे डिटेल्स भी से फिल करके सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोला जा रहा है, आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका मार्कशीट वगैरह है, सारा का जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें सेंड करना रहेगा एनवेलप में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगी।